हिमाचल में 34वें कोरोना पॉजिटिव मरीज, जानिए किस जिले से हैं कितने मामले। आज की अगली खबर, हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 23 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। अगली खबर है, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 15 से 20 लाख तक का ऋण देगी हिमाचल सरकार। बड़ी खबर, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद स्कूल खोलने पर होगा फैसला, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। आज की अगली खबर, थाने में रखे सामान के डिब्बे को खोल रहा था पुलिसकर्मी, निकले 21 कोबरा सांप, खबर जिला कांगड़ा से। अगली खबर, नाले में आई बाढ़ ने तोड़ी उद्योग की दीवार, करोड़ों का कच्चा माल समेत मशीनरी और बैटरियां बही। बड़ी खबर, जिला हमीरपुर से रिश्वत लेने का आरोपी कानको निलंबित, विभागीय जांच भी होगी, डीसी ने जारी किया आदेश। अगली खबर, अब सभी जिलों में ऑनलाइन बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करें आवेदन। अगली खबर, दिल्ली से लौट रहे सीएम के हेलीकॉप्टर की सोलन में इमरजेंसी लैंडिंग। अगली खबर, हिमाचल में प्राथमिक सहायक शिक्षकों के नियमितीकरण आदेश जारी। तो आज है 18 अगस्त 2020, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में, तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना पॉजिटिव आए मामलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कल सोमवार को 34 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें चंबा जिले से 3, ऊना से 2, सोलन से 8, शिमला से 2 और कांगड़ा और सिरमौर से 2-2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। चंबा जिले में ध्रुव की 4 साल की बच्ची समेत समोट के 41 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा मंडी जिले के सुंदरनगर में होटल में क्वारंटीन 14 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सोलन जिले के नालगढ़ से 2 और परमाणु से 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात की जाए जिला शिमला से, तो जिला शिमला के रामपुर में आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा रोहड़ू में एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक आए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4188 पहुँच गया है और इनमें से 1295 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में 2834 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कल सोमवार को 114 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं। आज की अगली खबर, हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 23 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 23 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। आज की अगली खबर, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 15 से 20 लाख तक का ऋण देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15 से 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। लड़कों को 4% और लड़कियों को 3.5% के ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में कम से कम 50% अंक लेने वाले और परिवार के सालाना 3 लाख आय वाले विद्यार्थी ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। ऋण लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम धर्मशाला में आवेदन करना होगा। इस ऋण के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक मदद मिलेगी। आज की अगली खबर है, थाने में रखे सामान के डिब्बे को खोल रहा था पुलिसकर्मी, निकले 21 कोबरा सांप, खबर जिला कांगड़ा से। पुलिस थाने में जब पुलिसकर्मी सामान के डिब्बे को खोल रहा था तो दंग रह गया। सामान के डिब्बे और फाइलों के बीच कोबरा सांप के बच्चे नजर आए। हिमाचल के जिला कांगड़ा के पुलिस थाना गग्गल में कोबरा सांप के 21 बच्चे अपना घर बनाए बैठे थे। जानकारी के अनुसार पहले थाने के कार्यालय में एक जहरीला सांप निकला, जिसे सपेर ने पकड़ लिया और रविवार को फिर सांप का संदेह होने पर थाना प्रभारी मेहर दीन ने तुरंत थाने के पास रहने वाले स्पेरे को सूचित किया। बड़ी खबर, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद स्कूल खोलने पर होगा फैसला, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही पहल पर बल दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश भर में बेहतरीन कार्य करेगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने में हिमाचल अन्य राज्यों के मुकाबले पहल करेगा, इसके लिए जल्द ही टास्क फोर्स गठित की जाएगी। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आने के बाद ही हिमाचल में स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। आज की अगली खबर, अब सभी जिलों में ऑनलाइन बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करें आवेदन। कांगड़ा शिमला जिलों में ऑनलाइन सेवाओं के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब हिमाचल के सभी जिलों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश भर में ड्राइविंग और कंडक्टर लाइसेंस को लेकर ऑनलाइन सेवा ही लागू की जाएगी। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ई परिवहन व्यवस्था या सारथी पर जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इस पर ही ऑनलाइन फीस जमा होगी। मेडिकल और अन्य तरह के दस्तावेज भी ऑनलाइन ही अटैच किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद परिवहन विभाग की ओर से आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट की डेट दी जाएगी। तय तिथि पर ही आवेदक RTO या SDM कार्यालय में टेस्ट देने आएंगे। इसके बाद आवेदक को टेस्ट में पास या फेल की जानकारी भी ऑनलाइन दी जाएगी। पास आवेदक को लाइसेंस भी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बड़ी खबर है जिला हमीरपुर से। रिश्वत लेने का आरोपी कानगो निलंबित, विभागीय जांच भी होगी, DC ने जारी किया आदेश। हिमाचल के हमीरपुर जिले में 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व कानगो को निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त ने सोमवार को तहसीलदार से मामले की जानकारी लेने के बाद निलंबन के आदेश पारित किए हैं। कानगो के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को हमीरपुर न्यायालय से जोरदार झटका लगा है। अदालत ने आरोपी कानगो के घर की तलाशी वारंट की अनुमति नहीं दी है। न्यायालय से अनुमति न मिलने के कारण विजिलेंस को यह मामला निपटाने में अब खूब पसीना बहाना होगा। सोमवार को आरोपी कानगो को पूछताछ के लिए विजिलेंस थाना हमीरपुर में बुलाया गया था। शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक विजिलेंस ने आरोपी से कई सवाल पूछे और विजिलेंस ने मामले में आगामी कार्यवाही के लिए वीडियो फुटेज फोरेंसिक लैब भेजी है। अगली खबर, नाले में आई बाढ़ ने तोड़ी उद्योग की दीवार, करोड़ों का कच्चा माल समेत मशीनरी और बैटरियां बही। हिमाचल के पौंटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र बाता मंडी में बरसात से नाले में आई बाढ़ उद्योग की दीवार तोड़कर भीतर रखी करोड़ों की मशीनरी और कच्चे माल को बहा ले गई। इलेक्ट्रिक उपकरण और 10,000 से अधिक बैटरियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ सामान पानी में बह गया जबकि कुछ मलबे में दब गया है। घटना सोमवार तड़के करीब 4:10 की है। बाढ़ से उद्योग को करीब 15 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। अगली खबर, दिल्ली से लौट रहे CM के हेलीकॉप्टर की सोलन में इमरजेंसी लैंडिंग। नई दिल्ली शिमला से लौट रहे CM जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर की सोलन में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मौसम खराब होने के चलते बसाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसके बाद CM जयराम ठाकुर सड़क मार्ग से शिमला के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच पहली बार CM जयराम ठाकुर पिछले कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने आधिकारिक बैठकों में हिस्सा लिया और शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। CM जयराम ठाकुर की BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मुलाकात हुई। इसमें संगठन व सरकार के विषय में चर्चा हुई। नड्डा से मिलने के बाद हवाई मार्ग से CM जयराम ठाकुर शिमला के लिए रवाना हुए। मौसम खराब होने पर धुंध अधिक होने के चलते हेलीकॉप्टर शिमला में लैंड नहीं कर पाया। करीब 5:20 पर सोलन के बसाल हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। आज की अगली खबर, हिमाचल में प्राथमिक सहायक शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक सहायक शिक्षकों को नियमित कर JBT बना दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद जिला उपनिदेशकों ने नियमितीकरण के आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। जिला शिमला में करीब 450 शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है। अन्य जिलों में भी आदेश जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों के हक में आए फैसले के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। दोस्तों, ये थी आज 18 अगस्त 2020 हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें। डेली इसी तरह से ताज़ा खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिश में देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज इट्स कानिश को फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।